मैं आता आप सर 10 से 4 महीने पहले के मैं अगे इस तरह नहीं काम कर सकांगा, मगर जे कोई सोचे कि मैं दोबारा चला जाऊंगा उठे तो मैं उन्हें विचो नहीं। लोग यूट्यूब से एवं सुनी सुनाई गलों के मैसेज कर रहे हैं, नहीं जी आप भी बाकी लोगों की तरह, हूँ मैं किनू किनू की जवाब दें, आप लालची निकले हैं। अजकल एक गल गर्दश कर रही है कि जी ठीक है तुसी हो चुके प्रोग्राम हुन असली तुसी नहीं इस वक्त इस हां जी मैं छड़ दिया ते ए है कि भी तुसी अगर जे छड़ना सी ते कैनेडा जान तो पहले क्यों नहीं छड़या? मैं कैनेडा जान तो 4 महीने पहले हां मैं आफताब साहब नु दस दिता, उन्हें गोश गवा गुजार की कहने ने, मैं आफताब साहब नु दस दिता 4 महीने पहले के मैं अगे इस तरह नहीं काम कर सकांगा। ठीक है जी, हूँ उदो कंडीशन की सी कि सारी तैयारी हो चुकी थी कैनेडा की। ठीक है जी, मुबीन की फिल्म लगनी थी, मुबीन को बोल दी ठीक है, वो इस वजह तो नाल नहीं जा सकता सी। नासिर चनोटी साहब की फिल्मों की शूटिंग सी, वो नहीं जा सकते सन, ना ही सलीम अलबेला सी ना ही हनी अलबेला सी, फिर यही टीम सी। तो बॉस ने कहा कि वक्त गुजारना है, तेन मिल के गुजार दईए, वापस आवेंगे तो गल कर लेंगे। मैं क्योंकि जिस मुहब्बत वक्त गुजार रहा था, मैं इस गल एक्सैप्ट कर लिया कि इस वक्त मैं वक्त गुजारने नाल ठीक है, क्योंकि कैनेडा देखने वाली कोई एडी गल नहीं। मैं 24 साल पहले सारा कुछ वेख्या है, कैनेडा दी सिर्फ सड़कां वड्डियां सन ठीक है ना जी, होर कोई मैनू चेंजिंग लगी, ओही यूरोप ओही इंग्लैंड ठीक है ना जी, वड्डे वड्डे ट्रक वड्डे वड्डे खुलियां सड़कां ठीक है जी। बाकी ये वेखे मैं अगर किसी लालच की गल हुंदी तो मैं 24 साल पहले इंग्लैंड सैटल हो जाता, अगर मेरे अंदर कोई लालची बंदा होता ठीक है। 24 साल पहले मैं की सा ठीक है, मुझे प्रमोटर मेरे ने कहा जेड़ा मैंने पहली बार इंग्लैंड लेके गया, उन्हें कहा कि बेटा तुसी मैंने मेरे घर के फर्द लगते हो, मेरे को रुक जाओ, मैं तुहाडा स्टे कराना, तुहाडी शादी भी इत्थे करावांगा, तो तुसी रुक जाओ। मैं कहा जी इधर फड़ाओ पासपोर्ट टिकट, मैं फिर आवांगा, अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतर करेगा। वो सबर शुक्र इसके बदले मेरे अल्लाह ने यह ना तो इज्जत दी अज़र रंगीला बनाया ठीक है जी। उदो अगर मैं उत्थे रुक जांदा पैसा होंदा अज़र रंगीला ना होंदा, ना वास्ते बड़ियां कुर्बानियां ते सबर देने पैंदे ने ठीक है। इहदे विच लालच या कोई गल, अज मैं लालच की करां, मेरा बेटा है माशाल्लाह 13 साल दा जी ठीक है, मैं हर साल इंग्लैंड जाना, खैर नाल बड़े प्यार करन वाले ने यूरोप वगैरह ठीक है, तो मैं उत्थे नहीं रुकिया, तो मैं कैनेडा अज किवें रुकांगा? मेरे बच्चे नूं मेरे घर नूं मेरी जरूरत है, मैं उन्होंने लोगों वाला वाकू नहीं है, उन्होंने लोगों वाकू मैं नहीं जे अपनी औलादा छड़ के 17-17 साल तो वो मिठी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो पिछले बीवियां तलाकां ले लिया, बच्चे किधर मूँह कर गए ने कोई पता नहीं, ना मेरा ऐसा खानदान सी, ना मेरी ऐसी तरबीयत सी कि मैं जोड़न वाले पासे आ जाता ठीक है जी। 417 के 18 फिल्म, अज भी 2-4 फिल्म पे जड़िया नहीं मुकम्मल हो सकिया ठीक है जी। ए सफर जेड़ा गल्ला करन वालेयां नूं ज़हन च रखना चाहिए कि मैं वो नहीं, क्योंकि मेरा हाथ भी दस रहा है कि उंगलां इको जी नहीं, तो जे ये इको जी नहीं तो मैं भी इको जी नहीं। मैं सिर्फ अपने तालुकात नूं अच्छा रखने वास्ते खामोशी नाल मुहब्बत नाल उन्हां कोलों इजाजत ली आफताब साहब कोलों कि मैंने बड़ा अच्छा सफर किया तुहाडे नाल, तो मैं जिस मुंह नाल अच्छा क्यों नाल फजूल बकवास कर सकना, भला क्यों, मेरे मोहसन ने मेरे उस्ताद ने ठीक है जी। तो एवें जिहड़ा जोड़ी जाना सारे छड़ गए जी, लालची सन सब दा, हुण मैं कोई ठेकेदार नहीं, कौन क्यों छड़ गया, मगर मैं अपनी इज्जत वास्ते ताल्लुकात नूं कायम रखण वास्ते खामोशी नाल, चूंकि हालात दा पता नहीं लगदा ठीक है ना जी। तुहानूं बजाते खुद ही मैं जानना तुसीं बड़े शरीफुल नफ्स और बड़े कमिटेड आदमी हो, और तुहाडे बेज़लर आदमी हो, कोई लोभ लालच भी नहीं है, और बड़ी साफ और नीट क्लीन तुहाडी लाइफ है इस फील्ड दे। सर जिन्नी देर मैं आफताब साहब नूं वक्त गुजारिया है, एक दिन मैं लेट नहीं होया, एक दिन मैं फजूल छुट्टी नहीं की कि मैं जी बीमार मैं अज नहीं आ, बिल्कुल नहीं। तूफान नेरी मेरी गड्डी खराब हो गई, मैं मोटरसाइकिल से चला गया, मेरे घर तो 45 किलोमीटर का सफर है आफताब साहब के स्टूडियो का, 45 जाना तो 45 आना ठीक है। सो मैं कमिटेड सा और मैं अल्लाह की रहमत नाल अल्लाह जानता है, नहीं वो सारा कुछ वो बेहतरीन है और ठीक है। वो देखो कि तुसी कितने साल पहले इंग्लैंड गए, देखो तुम्हारे सामने 99 24 साल या 23 साल, ये इल्जाम यह लग रहा है जो सुनने के बीच आ रहा है कि भाई पहले दसिया नहीं लगता है कि चुप करके जिन्होंने कहते यार चुप करके मीसना बन के बह जो जिसल टूर टूर हो जाएगा ठप्पा लग जाएगा फिर आवे उस तो बाद सर, तुसी अपनी जात नूं किस तरह कढ रहे हो? सर मैं इस तरह कढ रहा कि मैं उत्थे कैनेडा दे डाउन टाउन कहिंदे बड़े लाइटां जिथे लगी होंदी रात नूं, मैं उत्थे नहीं गया, मैं वेख्या ही नहीं।
अच्छा कम करके मेरी आदत सी 12 बजे तक सो जाना और मेरी बचपन तो आदत है और अज तक आदत नहीं बदल सकी है इस 28 साल है जी। मैं उसे कैनेडा भी गया सारे ने देखे तो मैं 12 बजे सौ जाता सर ये फिरन फुरन चले जाते सन मैं फजर टाइम नमाज पढ़ के उठना 8 बजे नाश्ता करना ठीक है जी। मैं जो मेरी इतने रूटीन है मैं उनके बच ही रहा ठीक है। बाकी गल रही कि ये पहले नहीं दसिया तो इस तरह की गल नहीं तुम टीम चो किसी बंद बुला के उनका इंटरव्यू कर लो उनके को कसमन पूछ लो कि अजहर ने पहले दसिया कि नहीं अपने और मैं अपनी प्रोडक्शन सोचना पिया कि उन्होंने तरतीब दिया कुछ ठीक है। अच्छा। फिर ऐसे मेरे इतने प्यारे लोग मेरा ताल्लुक जेडे कि मैं काम कराने जाए खास तौर पर साडा कॉमेडी टीवी पीटीवी बेशुमार प्रोजेक्ट है जेडे मैं छड़ दिते क्यों मैं टाइम ही नहीं दे सकता सा। हाँ। मैं रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम करता सा ठीक है जी, जी, जी। मैं वो छड़िया। अच्छा। ठीक है जी वो रेडियो का मैं एहसास मिले सनद मिली रेडियो पाकिस्तान तो कि अगर किसी भी रेडियो स्टेशन जाके पाकिस्तान दे अगर वो कहे कि मैं प्रोग्राम शुरू करना चाहना है तो उन्हें प्रोग्राम मिलेगा ठीक है जी। ते मैं ते सारे मीडिया ते अपने ते काम कीता ठीक है तो मतलब मगर मैं पौने 6 साल तो मैं बॉन्ड हो चुका सर कोई काम नहीं दे के भी एदा ते मतलब है ना कि तुसी जेडे छड़े अपने प्रोग्राम सुनो ना दोबारा ज्वाइन करोगे और ताडे कोल टाइम नहीं निकलना किते ए ते नहीं कहना चाहंदे कि मैं बाकी सारे काम कर रहे हां अगर मैं चैनल ते बैठांगा ते मैं आफताब साहब को नहीं बैठांगा इसलिए मैं किधरे भी नहीं बैठ रहा। नहीं 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 ऐसी गल नहीं गल है कि उन्होंने मेरा ताल्लुक इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा अल्लाह की रहमत नाल और मेरे उस्ताद ने और मेरे मोहसिन ने मगर जे कोई सोचे कि मैं दोबारा चला जाऊंगा उते तो मैं उन्होंने विचों नहीं क्योंकि बड़े लोग ने जो दोबारा बुला भी लेंगे ने तो दोबारा चले भी जाते हैं मैं उस तरह नहीं मेरे वास्ते अल्लाह बड़ा बेहतर करने वाला है अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला इंशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करे ताडे जज्बात सारे तक पहुंचे ने और मेरी दुआ है कि क्योंकि साडा ए आर्ट दा काम है जिसके फनकार वास्ते कोई सरहद नहीं होंदी ओ इसे तरह ही फनकार वास्ते कोई पार्टी नहीं असि सियासी लोग थोड़ी ही है। हां जी असि फनकार। हां जी बिल्कुल। ते फनकार दे विच इस मोल च इन्ने सख्त फैसले सानू बहरल नहीं लेने चाहिए। हां सही बात। सानू गुंजाइश रखनी चाहिए असि एक देखो ना बकरी गल है कि घर लैदा लैदा ने लेकिन मोहल्ला साडा एक है। सर मैं बड़ी मोहब्बत नाल आफताब साहब नूं मिल के खुदा हाफिज कह के निकले उन्होंने उन्हें जी मुहब्बत की उन्होंने कहा कि रंगीला साहब तुम मैं बड़े अजीज हो और मेरे हमेशा थोड़े से दरवाजे खुले ने थोड़ा जो दिल करे जिम्मे भी तो जिथे नाराजगियां उत्थे ओही गल हो सकती भला जवाब दें आप लालची निकले हैं मैं पैसों की बात है आपने ओ भाई गंदे गंदे मुंह बना गल्ला ना करो पॉजिटिव बात करो और दूसरे को अहमियत दो मोहब्बत ही सबसे बड़ी मोहब्बत की चीज है। ये दरवाजे किधरे भी बंद नहीं है दरवाजे खुले ने बल्कि मेरा ख्याल है कि जिन्ना मैं जानना आफताब इकबाल साहब के दरवाजे अच्छे फनकार वास्ते हमेशा ही खुले मैंने लफ्ज बात दोहरा दी उनकी तो इसमें कोई बात है ही बस ठीक है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुसी बहुत सारा टाइम दिता इसी तरह ही मोहब्बत प्यार साडे नाल रखना गाहे बगाहे असी तुहानू बुलांदे भी रहांगे अगला प्रोग्राम भी असी करांगे अजहर रंगीला साहब नाल ते इहदे च सुणांगे इहनां दी कामयाबी दी स्ट्रगल। अगर जे तुसी साडे नाल रहना चाहुंदे हो तो स्क्रीन ते जिहड़ा वीडियो क्लिप नज़र आ रहा है इहनूं जिहड़ा हल्का जिहा टच कर दिओ हमेशा खुश रहो अल्लाह हाफिज़।